नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ऑनलाइन सेल्फ पोर्टल से डॉक्यूमेंट अपडेट किस तरीके से आप करना है, उसका प्रक्रिया पूरी तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारी स्क्रीन में, UIDAI के ऑफिशियल पोर्टल में हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पर आपको माई आधार के सेक्शन से डाउनलोड आधार पर क्लिक करके यहाँ पर जो माई आधार के वेब पेज है उसमें आपको यहाँ से आ जाना है। फिर यहाँ पर आपको आने के बाद आपको अपने आधार नंबर के साथ लॉगिन कर लेना है। मतलब कहने का मतलब यह है, जो भी आधार में आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहेगा उसमें OTP के थ्रू आपको यहां से लॉगिन कर लेना है। क्योंकि ये वीडियो मैं रेसिडेंस लोगों के लिए ही ज़्यादा रिकमेंड करके लिए बना रहा हूं, क्योंकि जो भी आधार ऑपरेटर हैं उनको तो अपने जो भी ECMP या फिर UCL वगैरह में उनको प्रक्रिया पता है, लेकिन जो रेसिडेंस हैं उनके लिए ये बेस्ट तरीका है। इसी तरीके से आप लोग भी कर सकते हैं, अपना खुद के कर सकते हैं। मात्र 25 रुपये के खर्च से आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड कर सकते हैं, मतलब ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ में अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, जो भी आप प्रक्रिया इस्तेमाल करें उसमें आधार का मतलब आधार के साथ आपका डॉक्यूमेंट मैच होना चाहिए, तभी आप उसको अपलोड करें। अन्यथा आपका जो भी रिक्वेस्ट डालेंगे वो आपको यहाँ से रिजेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट अपडेट के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा आधार डैशबोर्ड में, ठीक है। फिर यहाँ पर जैसे कि करेक्शन वगैरह के लिए आप नेम चेंज वगैरह, तो हम लोग डॉक्यूमेंट अपडेट के लिए यूज़ कर रहे हैं अभी के लिए, तो डॉक्यूमेंट अपडेट पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर कुछ प्रक्रिया दिया गया है उसको आप लोग देख के कर सकते हैं। यहाँ पर सारा डिटेल वेरीफाई कर लीजिएगा और सेम उसी डिटेल के अकॉर्डिंग आपका ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, तभी आप उसका अपलोड कर सकते हैं। अन्यथा यहाँ पर जो भी गाइडलाइन दिया गया है उसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर जैसे ही इसको करेंगे, फिर ये कुछ समय तक ये लोडिंग लेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी फॉर्मेट होगा, मतलब कहने का मतलब JPG PNG इन दोनों को रिकमेंड नहीं करूँगा मैं, ओनली PDF फाइल आप रिकमेंड करूँगा और PDF में ही अपलोड करिएगा, 2 MB से कम। और यहाँ पर देख सकते हैं ID प्रूफ के लिए इतना सारा डिटेल दिया गया है। तो 10th मार्कशीट के लिए अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो CGHS में छत्तीसगढ़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। बाकी अदर यहाँ पर डॉक्यूमेंट का लिस्ट दिया गया है, तो जैसे कि मैं इस कैंडिडेट का यूज़ कर रहा हूँ वोटर आईडी के प्रूफ में, तो उसको जस्ट आपको यहाँ पे PDF में आपको स्कैन करके अपलोड करना होगा। जस्ट इसको PDF में स्कैन कर लेंगे और उसको बाद इसको अपलोड कर देंगे, ठीक है। और आईडी प्रूफ एड्रेस प्रूफ के लिए मैं सरपंच द्वारा, मतलब स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट है सरपंच के द्वारा या फिर मुखिया के द्वारा, तो उसको आप लोग जैसे कि मैं इस केस में यूज़ कर रहा हूँ उसी तरीके से आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट ओनली एड्रेस के लिए वैलिड है, तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। एड्रेस प्रूफ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आईडी प्रूफ में इसको यूज़ नहीं कर सकते, तो ठीक है। इन दोनों को जैसे मैंने इसको अपलोड कर लिया, उसके बाद जस्ट ओके करके इसको जो कि 25 रुपये का आपको पेमेंट करना होगा, यहाँ पर इसको चेक मार्क लगा के जस्ट इसको मेक पेमेंट कर देना है, ठीक है। जैसे पेमेंट करेंगे, पेमेंट का बहुत सारे मेथड आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे UPI क्रेडिट कार्ड वगैरह का, तो जो भी है वॉलेट व्हाट्सअप पेमेंट वगैरह, जो भी आप जो भी आपको सुविधाजनक हो आप उससे आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे कि इनकेस वो फ़ोनपे से आप लोग यूज़ करेंगे तो अपना यहाँ पे UPI नंबर डाल के जस्ट वेरीफाई क्लिक करेंगे, फिर आप जस्ट उसको प्रोसीड करेंगे तो आपके फ़ोनपे में एक रिक्वेस्ट आएगा 25 रुपये का, उसको आपको पेमेंट कर देना है। जैसे ही पेमेंट करेंगे, जैसे कि हम लोग भी अपना इस केस में पेमेंट करते हैं, ठीक है। और जो भी आधार ऑपरेटर है भाइयों, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप यदि आपको संदेह लगता है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट मिसमैच लगता है और कस्टमर उसको करने के लिए बोले, तो आप इस तरीके का आप लोग कर सकते हैं जिससे आपका आईडी ब्लैकलिस्ट है या फिर रिजेक्शन में ना चल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पर सक्सेसफुल एक रिक्वेस्ट डाल दिया डॉक्यूमेंट अपडेट के लिए। यहाँ पर इसका एक्नॉलेजमेंट नंबर स्लिप कुछ इस तरीके से निकलेगा, इसको आपको कस्टमर को यदि आप ऑपरेटर हैं तो इसको प्रिंट करके दे सकते हैं, ताकि वो जो भी SRN नंबर है उससे वो इसका स्टेटस पता करते रह सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके से दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट अपडेट करना है, इसी तरीके से डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।